दोस्तों आपके कमेंट बहुत आते हैं, आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं और आपका एक क्वेश्चन बार बार आता है, तो उसी क्वेश्चन के आधार पर ये छोटा सा वीडियो बना के बताने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। शायद आपका जो इंडियन आर्मी का होने वाला मेडिकल है, उस मेडिकल में ये वीडियो बहुत काम आने वाला है। दोस्तों एक कमेंट आता है कि हमारे हाथ में बैंड हो रहा है, उस बैंड को कैसे ठीक करें। तो दोस्तों आपको इस सवाल के जवाब में मैं बता दूं, अगर आपके इस हिस्से में बैंड है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर को बताएं कि सर मेरे यहाँ पे बैंड है, मैं इसको कैसे ठीक करूँ। तो दोस्तों डॉक्टर ही आपको सबसे सही और सबसे सटीक जानकारी देगा। दोस्तों इंडियन आर्मी का जो मेडिकल होता है, उस मेडिकल के अंदर हाथों का टेस्ट कैसे होता है, मेरा टेस्ट कैसे लिया था, वो आपको बताऊंगा। शायद आपको जरूर जानकारी सही लगेगी और जिसने भी मेडिकल दिया होगा वो मेरी बात को कहेगा कि ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है और वो लाइक करेगा वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, आपके हाथों को इस प्रकार करवाया जाता है इंडियन आर्मी के मेडिकल में, बिल्कुल इस प्रकार से करवाया जाता है। दोस्तों दोनों हाथों को इस प्रकार से करवाने का एक ही मतलब है कि यहाँ पे कोई बैंड का निशान तो नहीं है। दोस्तों अगर यहाँ पे बैंड का निशान रहा तो वो सीधा सीधा उनको नज़र आ जाएगा। अगर आप भी थोड़े बहुत जानकार होंगे तो आपको भी नज़र आ जाएगा। दोस्तों इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ चेक की जाती है कि कहीं ऑपरेशन तो नहीं करा रखा। यहाँ पे एक चीज़ और चेक की जाती है कि बचपन से कहीं हाथों के अंदर बैंड का निशान तो नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे चेक किया जाता है कि कंधे में कहीं फ्रैक्चर तो नहीं है, कंधे का कहीं ऑपरेशन तो नहीं हो रखा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अच्छे से चेक किया जाता है कि यहाँ पे आपके हाथों में कहीं चोट तो नहीं आ रखी, कहीं बैंड तो नहीं आ रखे। दोस्तों इसी प्रकार आपके दोनों हाथों को अच्छे तरीके से चेक किया जाता है, याद रख लेना। दोस्तों इसके अलावा जो आपकी उंगलियां हैं, ये पांचों उंगलियां स्वस्थ होनी चाहिए। यहाँ पे जुड़वा उंगलियां नहीं होनी चाहिए। जुड़वा से मतलब है बहुत सारे बंदों के छः-छः उंगलियां होती है। तो दोस्तों छः-छः उंगलियों वाले को दिक्कत आ सकती है। लेकिन दोस्तों मैं ये चीज़ कंफर्म नहीं कर सकता कि यहाँ पे किसी के छः उंगलियाँ हैं और उसको बाहर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि मैंने ऐसा कोई केस नहीं देखा जिसकी छः उंगलियाँ थी और उसे बाहर किया हो या नहीं किया हो। इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता क्योंकि मुझे इस बात का पता ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों जब मेडिकल हुआ है इंडियन आर्मी का, जब जब मैंने इंडियन आर्मी का मेडिकल दिया है, उस टाइम ऐसा कोई बंदा नहीं था जिसके छः इस प्रकार उंगलियां हो। दोस्तों बहुत सारे बंदों के जन्मजात होती है। तो दोस्तों उस चीज़ की सही जानकारी के लिए आप इंडियन आर्मी का कोई ऑफिसर हो तो उससे ज़रूर जाकर मिलें, उसको बताएं कि मेरे ये प्रॉब्लम है। क्योंकि दोस्तों मेरे बहुत सारे कमेंट आते हैं जिससे मुझे पता चलता है कि बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जिनके छः छः उंगलियां हैं, तो दोस्तों उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, मगर उस चीज़ की सही जानकारी डॉक्टर ही बता सकते हैं। और दोस्तों मैंने आज आपको हाथ का मेडिकल कैसे लिया जाता है इसकी जानकारी दी है। दोस्तों आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि दोस्तों आपका कमेंट होगा और जितनी मुझे नॉलेज होगी उस नॉलेज के आधार पर मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत भी बताने की कोशिश करूंगा, और बता पाया तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा कि मैंने किसी की मदद की है। दोस्तों अंत में एक चीज कहना चाहूंगा कि हिम्मत रख दोस्त, हिम्मत रख, आने वाला वक्त तेरा है।